टेट परीक्षा 2023 की घोषणा से नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने करगिल चौक पर जमकर बवाल किया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंककर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका यह भी कहना है कि साल 2019 से टेट पास अभ्यर्थियों की अब तक बहाली ही नहीं की गई और नए छात्रों की परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सरकार को 13 दिसंबर तक बहाली का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा के बाहर महा आंदोलन की चेतावनी दी गई। शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से आक्रोशित हैं और देख सकते हैं पटना के कारगिल चौक पर सभी इकट्ठा होकर बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जता रहे हैं। आक्रोश इसलिए है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से जो बहाली पेंडिंग प्रक्रिया है उसको पूरा किए बिना एसटेट 2023 एग्जाम लेने की घोषणा कर दी है, जिसके विरोध में देख सकते हैं सभी एसटेट अभ्यर्थी जो है एक तरह से पटना में जुटे हैं और विरोध जता रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग का एक ही डिमांड है कि एसटीईटी 2023 से पहले एसटीईटी 2019 की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। तब 23 लीजिए, 24 लीजिए, 26 तक लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 80,402 जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिनकी नियुक्ति पक्की है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं दे रहे हैं, क्या नुकसान हो सकता है आपको अगली परीक्षा के? अगली सीट कम है साहब, और फिर आप एसटीईटी ले रहे हैं, आप सबको नौकरी कहां से दीजिएगा? सीटें हैं और अब क्या लग रहा है कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा? हम लोग 80,402 पास हैं और जब 2023 लीजिएगा तो 4 साल का विद्यार्थी फिर से आएगा तो सीट कहां से दीजिएगा? हम लोग को मार करवाने के लिए आप इलेक्शन का मुद्दा बनाने के लिए? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ। इनका पुतला जलाया है माननीय शिक्षा मंत्री जी का पुतला जलाया है महोदय, और हमने ये विरोध किया है कि एसटीईटी 2019 के जितने भी उत्तीर्ण 80,402 अभ्यर्थी है जिनका नौकरी पक्का हो चुका है 12 मार्च 2021 को, सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करे और तब 23, 24, 25, 29 लो, और अगर ऐसा नहीं वापस लिया तो 13 दिसंबर को गर्दनी बात। दोनों को मर्ज करने की तैयारी है क्या? मर्ज करने की नहीं है, ये टाइम डिले करने की तैयारी है कि 4-5 साल और लगे, क्वेश्चन बनेगा, गलती होगा, फिर एग्जाम, फिर 13 दिसंबर से जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं अब सरकार की मुसीबतें जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 13 दिसंबर को पटना चलो। दूसरी तरफ बीजेपी का समर्थन मिल गया है, ऐसे में जो आंदोलन का आगाज है वो हो चुका है और पटना में इस वक्त जो एसटेट अभ्यर्थी हैं वो विरोध जता रहे हैं और बहाली की